4 लाख का नुकसान होने से बच। आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, जब आपके दोनों बीमा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में 342 रुपए बैलेंस रहने चाहिए। अगर आपके खाते में कम पैसे रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। मई का महीना खत्म होने से पहले आप अपने अकाउंट में कम से कम 342 रुपए ज़रूर जमा करके रखें, वरना आपको इसके कारण पूरे 4 लाख रुपयों का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY में निवेश करने वाले लोगों के खाते में 342 रुपये न रहने पर आपको 4 लाख रुपयों का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि हर साल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम आपके अकाउंट से 31 मई से पहले डेबिट किया जाता है। इसके बाद ही ये योजना अगले साल के लिए रिन्यू होती है। अगर आपके अकाउंट में दोनों योजना है तो मिलाकर 342 रुपयों का बैलेंस नहीं रहेगा तो आप इसका प्रीमियम नहीं भर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन भी अकाउंट होल्डर्स के दोनों बीमा हैं तो कृपया आप इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू की तारीख 31 मई से पहले अपने अकाउंट में बैलेंस राशि डलवा लें, अन्यथा इंश्योरेंस पॉलिसी के 4 लाख रुपयों का नुकसान होने की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PMJJBY एक सरकारी सुरक्षा बीमा योजना है, जिसके 330 रुपये के सालाना भुगतान पर आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है। इस स्कीम का लाभ 18 से 50 साल तक उठा सकते हैं। ये स्कीम 1 जून से 31 मई तक वैलिड रहती है। इसके बाद मई में 330 रुपये जमा होने के बाद स्कीम रिन्यू हो जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY भी एक सरकारी बीमा योजना है, जिसके जरिए अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपयों का इंश्योरेंस कवर मिलता है। वहीं आंशिक दिव्यांगता पर बीमाधारक को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाती है। इसके लिए आपको 12 रुपयों का प्रीमियम हर साल 31 मई से पहले देना होगा। ऑटो डेबिट सिस्टम के जरिए जमा होता है प्रीमियम। आपको बता दें कि अगर आपने दोनों स्कीम खरीद रखी है तो इन दोनों को रिन्यू करवाने के लिए आपको कुल 342 रुपयों का प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम आपके खाते से ऑटो डेबिट सिस्टम के जरिए खुद ब खुद कट जाएगा। ऐसे में अगर आपके खाते में 342 रुपये से कम है तो आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाएगी। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसे भी पता चल जाएगा। गुड लक, गुड बाय।